हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल PR क्लासेस 199 में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है सॉल्व द वेव इक्वेशन। ये हमारे पास वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन गिवन है, वेयर यू इक्वल टू P0 cos PT। ये हमें यूज करना है, और जहाँ P0 इज ए कॉन्स्टेंट, P0 हमारा कॉन्स्टेंट होगा, वेन एक्स इक्वल टू एल यूज करेंगे, एंड यू इक्वल टू जीरो वेन एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो ये हमें सॉल्व करना है। इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन गिवन होगा, आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, स्किप करेंगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो करते हैं फ्रेंड्स वीडियो को शुरू। तो हमने लिखा है सोल्यूशन। तो जो हमें इक्वेशन गिवन है, ये हमारी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है। तो यहाँ लिखेंगे द गिवन इज। और फ्रेंड्स, आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट पेपर देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कंप्लीट पेपर देख सकते हैं। तो यहाँ से द गिवन इज, हमें जो इक्वेशन गिवन है, डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसे लाइड कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ही हमारी वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन होती है। और इससे पहले वाला अगर क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप उसे भी जाकर देख लेना, और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सेम हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट, क्योंकि इनमें इन क्वेश्चनों में जो मेथड है वो सेम है। तो लेट अस अज्यूम दैट यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इंटू स्मॉल एक्स इंटू कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। जो कैपिटल एक्स है वो हमारा स्मॉल एक्स का फंक्शन है, और कैपिटल टी हमारी स्मॉल टी का फंक्शन है। तो यहाँ से हम डेल यू अपॉन डेल टी फाइंड कर लेंगे, फिर डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, इसी तरह से डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स डैश टी लिख सकते हैं, एंड इसे हम अगेन पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स डबल डैश टी। इसी तरह से हम डेल यू अपॉन डेल टी फाइंड कर लेते हैं, तो ये हमारा एक्स टी डैश आ जाएगा, एंड अगेन पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ हमारा डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स टी डबल डैश आ जाएगा। इन वैल्यूज को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन वन, दीज वैल्यूज इन वन वी गेट, फिर इसे और आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे हमारे पास डेल टू यू अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू एक्स टी डबल डैश इक्वल टू सी स्क्वायर, फिर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स डबल डैश टी। यहाँ से अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो x के टर्म हम एक साइड कर लेते हैं, t के एक साइड, तो t डबल डैश अपॉन t और c स्क्वायर इक्वल टू x डबल डैश अपॉन x इक्वल टू, हम इसे सेज कर लेते हैं, माइनस का n स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास ये फर्स्ट मेंबर, ये सेकंड, ये थर्ड। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर्स। तो यहाँ हमारा फर्स्ट ये है, थर्ड ये है, तो टी डबल डैश इक्वल टू टी सी स्क्वायर एन स्क्वायर आ जाएगा माइनस का। इसी तरह से एंड इसे और सॉल्व करके लिख लेते हैं, तो टी डबल डैश प्लस का टी सी स्क्वायर एन स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू जीरो। इधर पर एक्स वाला देखेंगे तो एक्स डबल डैश इक्वल टू माइनस का एन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, फिर एक्स डबल डैश प्लस का एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को लेट कर लेते हैं टू। तो अब हम इक्वेशन टू को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एंड सॉल्विंग इक्वेशन टू। तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो टी डबल डैश प्लस का एन स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होगी, फिर हम सी एफ फाइंड करेंगे, पी आई फाइंड करेंगे, फिर इसका कंप्लीट सोल्यूशन लिखेंगे। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से डी स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम t की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो डी स्क्वायर इक्वल टू, इसे इधर लाएंगे माइनस में आएगा, तो माइनस हटाने के लिए आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई स्क्वायर एन स्क्वायर सी स्क्वायर। यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आई एन सी। अब हम इसका कंप्लीट सोल्यूशन लिख सकते हैं, कंप्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ
इक्वल टू सी वन कॉज एन सी टी प्लस का सी टू साइन एन सी टी। अब पी आई फ्रेंड्स आपको पता है पी आई इसमें हमारा जीरो होगा, तो कंप्लीट सोल्यूशन लिख सकते हैं सी एस एज टी इक्वल टू सी वन कॉज एन सी टी प्लस का सी टू साइन एन सी टी, जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन होता है सी एस एज इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई। अब पी आई हमारा इसमें जीरो है, तो ये हमारे पास टी की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एंड एक्स डबल डैश प्लस का एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसकी भी हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी होगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से हम डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो डी इक्वल टू माइनस का एन स्क्वायर आ जाएगा, तो डी स्क्वायर इक्वल टू आई एन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो डी इक्वल टू प्लस माइनस आई एन। तो इसका सी एफ हमारा कितना हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू सी वन कॉज एन एक्स प्लस का सी टू साइन एन एक्स, और पी आई हमारा इसमें जीरो। तो सी एस एज यानी कंप्लीट सोल्यूशन एज हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू सी एफ प्लस का पी आई, तो सी वन कॉज एन एक्स प्लस का सी टू साइन एन एक्स। देन अब हम यू जो हमने इक्वेशन लेट की थी यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू एक्स एक्स इंटू टी टी, यहाँ हम पुट कर देंगे, तो यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो सी वन कॉज एन एक्स प्लस का सी टू साइन एन एक्स। और फिर टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, टी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, यहाँ फ्रेंड्स हमने टी की वैल्यू निकाली थी, तो सी टू तक हमारे कॉन्स्टेंट हो चुके थे, तो यहाँ सी थ्री इधर सी फोर, तो यहाँ सी थ्री इधर सी फोर हो जाएगा। अब फिर टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, सी वन कॉज एन सी टी प्लस का सी टू साइन एन सी टी। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन में फ्रेंड्स हमें गिवन है यू इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग यू इक्वल टू जीरो कॉमा एक्स इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से अब यू एक्स कॉमन टी की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी, जीरो इक्वल टू यू इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू जीरो पुट कर रहे हैं, तो सी वन कॉज एन सी टी प्लस का सी टू साइन एन सी टी। ये वाला फ्रेंड्स कॉज जीरो की वैल्यू वन होती, तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा सी थ्री आ जाएगा, और ये साइन जीरो की वैल्यू जीरो वो हमने लिखा नहीं है, तो सी वन कॉज एन सी टी और प्लस का सी टू साइन एन सी टी, इसे हम जीरो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सी थ्री इक्वल टू हमारा जीरो आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर वी हैव, यहाँ से देखेंगे यू एक्स कॉमा टी से यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू सी वन कॉज एन सी टी और प्लस का सी टू साइन एन सी टी, ये वाला हमने पहले लिख लिया, अब इसे लिखेंगे, और सी थ्री इक्वल टू हमारा जीरो है, तो ये वाला हमारा जीरो हो जाएगा, तो सी फोर साइन एन एक्स हो जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा साइन एन एक्स और कॉज एन सी टी और सी वन सी फोर, तो साइन एन एक्स इंटू कॉज एन सी टी इंटू सी वन सी फोर, और प्लस का फिर साइन एन एक्स और फिर साइन एन सी टी और सी टू इंटू सी फोर। अब यहाँ से सी वन सी फोर और सी टू सी फोर को हम इसे बी वन कॉन्स्टेंट लेट कर लेंगे, इसे बी टू, तो यहाँ लिखेंगे साइन एन एक्स इंटू कॉज एन सी टी इंटू बी वन प्लस का साइन एन एक्स इंटू साइन एन सी टी प्लस इंटू बी टू, और इस इक्वेशन को लेट कर लेंगे इक्वेशन थ्री। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से यहाँ फ्रेंड्स लिख देंगे वेयर बी वन इक्वल टू सी वन सी फोर एंड बी टू इक्वल टू सी टू सी फोर, यहाँ लिखेंगे नाउ यू इक्वल टू पी जीरो कॉज पी टी वन
एक्स इक्वल टू एल वी केट, ये फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। यू इक्वल टू हम पी जीरो कॉस पी टी यूज करेंगे, जब एक्स इक्वल टू एल यूज करेंगे तब तब हम देखेंगे। तो यहाँ से देखेंगे यू एक्स कॉमा टी इक्वल टू हम ये पुट कर सकते हैं, तो पी जीरो कॉस पी टी इक्वल टू साइन एन एक्स, तो साइन एन एक्स की जगह पर हम एल यूज करेंगे, एन एल हो जाएगा, इंटू कॉज एन सी टी और बी वन प्लस का साइन एन एल इंटू साइन एन सी टी इंटू बी टू। अब यहाँ से हम इसे और आगे सॉल्व करने के लिए साइन एन एल इंटू साइन एन सी टी इंटू बी टू इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ देखेंगे हमारा पी जीरो कॉज पी टी इक्वल टू साइन एन एल इंटू कॉज एन सी टी इंटू बी वन। अब यहाँ लिखेंगे पुटिंग पी पी इक्वल टू एन सी, तो यहाँ से देखेंगे इम्प्लाइज करके लिखेंगे पी जीरो कॉज पी टी और पी इक्वल टू एन सी यूज करेंगे, तो यहाँ से इक्वल में हमारा साइन एन एल इंटू कॉज एन सी की जगह पर पी, तो कॉज पी टी हो जाएगा इंटू बी वन, तो यहाँ से कॉज पी टी से हमारा कॉज पी टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम बी वन की वैल्यू लिख सकते हैं, तो इम्प्लाइज करके लिखेंगे बी वन इक्वल टू पी जीरो और अपॉन में ये हमारा साइन एन एल आ जाएगा इक्वल टू पी जीरो अपॉन साइन। अब यहाँ से हम एन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज करके लिखेंगे एन इक्वल टू पी अपॉन सी, तो साइन पी एल अपॉन सी हो जाएगा, हैंस करके लिखेंगे हैंस यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू साइन एन एक्स इंटू कॉज एन सी टी बी वन था हमारा, यहाँ हम वैल्यू यूज कर लेंगे, तो यहाँ से देखेंगे इम्प्लाइज करके लिखेंगे यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू साइन एन एक्स इंटू कॉज एन सी टी इंटू बी वन की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पी जीरो अपॉन साइन पी एल अपॉन सी, तो इसे और सॉल्व करके लिखते हैं, तो यू एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू पी जीरो अपॉन साइन पी एल अपॉन सी इंटू कॉज एन सी को हम पी लिख सकते हैं, तो कॉज पी टी हो जाएगा इंटू साइन, यहाँ फ्रेंड्स हमारा साइन एन एक्स चल रहा है और एन को हम पी लिख अपॉन सी लिख सकते हैं, तो पी एक्स अपॉन सी हो जाएगा। तो ये हमारा इस प्रकार से कंप्लीट सलूशन हो गया। अगर फ्रेंड्स आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।